नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अभिमन्यु छत्री सभा की ओर से रविवार को परसोली हंसपुरम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में करौली शंकर महादेव गुरुजी को आमंत्रित किया गया था। संस्था के कार्यों को देखते हुए करौली शंकर महादेव ने छत्री महासभा के भवन निर्माण को 11 लाख देने की घोषणा की एवं परिसर में परशुराम की प्रतिमा लगाए जाने पर 5 लाख का चेक संगठन को दान दिया, जिससे कि ब्राह्मण और छत्री की एकता की मिसाल बन सके। वहीं करौली शंकर महादेव ने समारोह में संदेश देते हुए बोले, क्षमा करो और भूल जाओ का संदेश दिया। कन्या भ्रूण हत्या, नशा मुक्ति, महिला हिंसा के खिलाफ आंदोलन चलाने को भी बल दिया। सभा में आए लोगों को संकल्प के माध्यम से स्वस्थ भी किया गया। बच्चों से मोबाइल की लत को छुड़वाया गया व नशे की लत लोगों को देखते ही देखते नशे से उनका मुंह तोड़ दिया गया। इस तरह की चिकित्सा देख लोग वहां उपस्थित हैरान हुए। अपने वैदिक चिकित्सा पर भी उनका विश्वास बढ़ा। वहां उपस्थित लोगों को करौली शंकर महादेव जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप महाप्रसाद भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता पंकज तोमर और संचालन महामंत्री ने किया। समारोह में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, लाल सिंह तोमर, रघुनंदन सिंह भदौरिया, भाजपा के महामंत्री शिवराज सिंह, विधायक अभिजीत सांगा, अविनाश सिंह चौहान, आर्यन सिंह, उमेश तोमर, युगददीज के मनोज सिंगर, धर्मराज सिंह चौहान, एसडी सिंह परिहार, भूपेंद्र चौहान, मुनेंद्र चौहान आदि रहे।